आज हमने घर की सेटिंग चेंज की है और सफाई की है तफसीलन, सारा सामान बाहर निकाल के सारे कमरों से और हमने जो है ना वो सफाई की है। तो इसकी वीडियो जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी आज की रूटीन कैसी लगी। और अबू बकर भी तैयार श्यार हैं, ये देखें हर वक्त साइकिल के कर्तव्य दिखाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एंड तक भी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कि घर देखें कितना खाली है, सामान नहीं है। तो असल वजह यह है कि आज है ना वो तफसीली सफाई हो रही है। देखें पंखे भी साफ़ किए हैं अभी और सारी दीवारें झाड़ी हैं, जाले थे वो उतारे हैं, सामान की कुछ सेटिंग भी चेंज करनी है। तो मैंने सोचा आज रूटीन जो है वो आपको दिखाई जाए कि बड़ी जो है ना आज सख्त तरीन जो है वो रूटीन है आज हमारी। तो ये देखें जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं क्योंकि सारा घर ओपन है, तो आंधी आती है तो बहुत जल्दी जो है ना यहाँ पर जो है गर्दों को बाहर हो जाती है, ठीक है ना। ये देखें तो ये सारी हो रही है सफाई और दिखाएं आपको कि इस कमरे की सफाई जो है ना वो कर ली है। तो गर्द से बचाने के लिए ना हमने यहाँ से दरवाज़ा जो है ना इसको बंद कर दिया है, दरवाज़ा बंद किया हुआ है। इसकी भी सारी दीवारें जो हैं वो हम देखें झाड़ चुके हैं, बहुत ही क्लीन हो गया है। फर्श भी बहुत ज़्यादा ठंडा ठार हो गया है, देखें सारा साफ़ कर दिया है, सारी दीवारें पर्दे सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल क्लीन किया है, धो दिया है। और अभी सामान की कुछ सेटिंग हो रही है तो हमने बेड अंदर करने हैं, तो हम ला रहे हैं, एक बेड ला चुके हैं, बाकी सारा कमरा खाली है। और यहाँ गैलरी से भी आपको दिखा दें कि यहाँ से भी जो है ना ये देखें यहाँ से भी हमने सारा जो है ना वो किया है साफ़। तो अभी चल रही है सफाई, तो अभी डस्टिंग तो बाद में होगी क्योंकि अगर दोबारा से पड़ जाती है तो डस्टिंग तो उस टाइम पे नहीं होती है। तो साथ साथ आज संडे है तो साथ साथ किचन की भी देखना पड़ता है, किचन को भी। तो यहाँ पर मैंने चढ़ाया है कीमा करेले, तो इसके लिए कीमा चढ़ा दिया है। शेल्फ़ और चूल्हा वगैरह मैंने सही साफ़ कर दिया है और बर्तन भी धुल चुके हैं, ये देखें बर्तन भी धो दिए मैंने। लेकिन अभी मज़ीद साथ साथ बर्तन होते रहेंगे, खाना बन रहा है और सफाई हो रही है, तो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। अभी ये लाउंज की सफाई जो है वो हो रही है क्योंकि झाड़ पोंछ हो रही है, ठीक है। और सामान जो है ना वो कुछ ऊपर नीचे पड़ा हुआ है बहुत, ये देखें ज़रा, ये देखें सोफ़ा कम बेड हमने बेड के ऊपर रखा हुआ है। और आतिफ़, अतैब, नूरी और अबू बकर जो हैं वो इस सोफ़े के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, ये देखें। और अतैब काफ़ी हेल्प करवा रहे हैं। अतैब आज आप हेल्प करवा रहे हो सफाई करने में, ठीक है। आज माशाल्लाह अतैब ने भी बहुत काम किया है, सेटिंग चेंज करवाने में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अबू बकर कुछ कह रहे हैं, अबू बकर क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? ये देखें साइकिल को करतब दिखा के बता रहे हैं। तो चल रहा है साथ साथ आपको बताते रहेंगे, सामान बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। अभी हमने ये सामने वाला कमरा भी जो है दोनों कमरे बंद किए हुए हैं ताकि गर्दों को बाहर अंदर ना चला जाए क्योंकि सेटिंग हो रही है। लेकिन इस कमरे को अभी साफ़ नहीं किया है, मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें सामान ऊपर नीचे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं लाइट जलाती हूँ, ये देखें, ठीक है। सोफ़े भी इसी कमरे में हैं और मैट्रेस भी, चारपाइयाँ भी, सब कुछ इसी कमरे में रख दिया है हमने। तो धुले हुए कपड़े भी हैं, तो सोच रहे हैं कि इसको गर्दों को बाहर से बचाया जाए, तो हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो चलिए थोड़ी सी इसकी सफाई कर लेते हैं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह लाउंज की भी सफाई हो गई है मुकम्मल और इसको जो है ना हमने अच्छा सा खुश कर लिया है। और अब हम जो है ना जो चीज़ें हमने यहाँ पर सेट करनी है, सोफ़े वगैरह, चरपाई वगैरह, तो वो हम यहाँ पर लाने लगे हैं। और बहुत अच्छा सा ठंडा ठंडा सा फर्श हो गया है, हवा देखें कितनी अच्छी चल रही है इस तरफ से, ये देखें ज़रा इतना अच्छा लग रहा है, सब साफ़ सुथरा और ठंडा ठंडा सा। साल में दो दफ़ा हम जो है ना इस तरह सारा सामान जो है ना वो बाहर निकाल कर और इस तरह तफसीली सफाई करते हैं, इससे जो है ना जाले और जो गर्दोबार जहाँ से रह जाता है रूटीन की सफाई में नहीं हो पाता, तो वो इस तरीके से जो है ना वो सारा साफ़ हो जाता है। और मच्छर वगैरह जो है ना हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये देखें यहाँ इस साइड से, देखें इस साइड से पीछे प्लॉट है,
घर नहीं है, ठीक है। और ये खिड़की है जो यहाँ पर भी जो है ना पीछे गली है, और प्लॉट में लोग बहुत ज़्यादा गंद फेंकते हैं, और नीचे जो है ना ये देखिए गली में इतना गंद है कि गुजरना मुश्किल है यहाँ से, ठीक है। और जो हमारा इस साइड से जो बाहर से एरिया है ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको दिखा भी चुकी हूँ, और ये देखें ये पीछे वाला प्लॉट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और ये सामने वाला प्लॉट देखें, ये देखें, ठीक है। ये गंद देखा आपने कितना है सामने प्लॉट और इस प्लॉट को देखें, ठीक है जी। ये सारी तरफ जो है ना ये गंद है, बहुत ज़्यादा प्लॉटों में लोग गंद फेंकते हैं, तो मच्छर इस कदर है यहाँ पे, तो हमें हर वक्त जो है ना वो मच्छरों का सामना करना पड़ता है, और गर्द इतना आता है क्योंकि पूरा घर ओपन है और हम लोग हवा की वजह से जो है ना वो खोल के रखते हैं, लेकिन पीछे चारों तरफ कोई घर नहीं है, तो इस कदर मिट्टी आती है कि घर जो है ना वो एक दिन में ही मिट्टी से भर जाता है, कभी कभी तो मुझे दो दफ़ा भी धोना पड़ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया कि ये देखें अभी साफ़ हो रहा है घर बहुत ज़्यादा, अभी सामान साफ़ तो हो चुका है, अब सेटिंग हो रही है, सामान वगैरह लाएंगे हम यहाँ अभी, लेकिन दो कमरों की सफाई जो है वो बाकी है, अभी इस कमरे में भी सामान भरा हुआ है, अभी हम यहाँ से सामान उठाएंगे तो इस कमरे की भी सफाई करनी है, और यहाँ पर भी जो है ना ये देखें आतिफ तैयब नूरी भी जो है ना वो सोफ़े वगैरह ला रहे हैं सामान जो है, ये देखें ये हो रही है सामान की सेटिंग, तो तैयब आज थक गए होंगे, तैयब आज बहुत काम कर रहे हैं, और अभी बाकी सोफ़े भी लाने हैं साइड पे, और बेड भी लाना है, एक अंदर जाएगा तो अभी ये वाला कमरा भी साफ़ होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा गर्द और गुबार हर जगह पे आ चुका है। और यहाँ किचन में कीमा करेले बनाने की तैयारी में हूँ, और कीमा जो था वो मैंने चढ़ा दिया था, अच्छा सा नमक मिर्च मसाला जो इसमें डालते हैं, और लहसुन अदरक प्याज टमाटर सब डाल के मैंने चढ़ा दिया था, तो कीमा जो है वो गल चुका है, तो अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दही भी शामिल कर दी है इसमें, तो इसमें थोड़ी करेलों में जो है वो खटास की ज़रूरत होती है। तो दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि प्रॉपर रेसिपी नहीं है आज, क्योंकि इसकी रेसिपी जो है वो मैं पहले दो तीन दफ़ा अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैं आज सिर्फ रूटीन दिखा रही हूँ आपको। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा घी शामिल कर देती हूँ, ठीक है जी, ये देखिए हसबे ज़रूरत में डाल रही हूँ, आज मैं किसी चीज़ की भी क्वांटिटी आपको नहीं बता रही हूँ, आज सिर्फ रूटीन वीडियो है कि मैं रूटीन की काम जो कर रही हूँ वो कैसे कर रही हूँ। तो इसकी मैं करूँगी भुनाई, ठीक है जी, और ये पानी पीने अंदर आए हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर देखिए मैंने ना इमली का पानी जो है वो इमली मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है, ये भी मैं इसमें डालूँगी, इसमें करेलों में थोड़ी सी खटास आ जाती है तो अच्छी लगती है, कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो मैंने हाथों से इसको इस तरह मसला है, ठीक है। और इसकी गुठलियाँ जो है ना वो मैं निकाल दूँगी, ये देखें अभी है इमली बाकी इसमें, तो मैंने भिगोई हुई थी, प्याज भी मैंने काट के रखी हुई है, और यहाँ पर जो है ना मैं हाथ धोने लगी हूँ अपने, ठीक है, आज काम कुछ ज़्यादा है तो भुनाई कर रही हूँ साथ साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो इमली का पानी भी शामिल कर देते हैं आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़बरदस्त बहुत स्पाइसी से हम बनेंगे हमारे करेले, कीमा करेले, ठीक है। अब भुनाई करते हैं, इसका पानी हमने सुखाना है, क्योंकि करेलों में अगर पानी हो तो उनकी करवाहट जो है ना वो दुगनी हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए पानी तो डालना नहीं होता। और एक और बात कि आप सोचेंगे कि करेले कहाँ हैं, इसने अभी तक करेले नहीं दिखाए, तो जी करेले जो हैं वो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं महफूज फ्रीज़र में। तो करेलों को किस तरह महफूज किया जाता है, तो मैं फ्राई करके इकट्ठे ही रख लेती हूँ, तो उसकी वीडियो जो है ना वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो काइंडली आप मेरे चैनल पर जाएँ, मेरी वीडियोज़ को उसमें से तलाश करें, क्योंकि मुझे लिंक देना नहीं आता अभी तक, वरना मैं लिंक दे देती अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप चैनल पर जाकर आप मेरी जो करेलों को महफूज करने की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी कीमा अल्हम्दुलिल्लाह भून गया अच्छा सा, ये देखिए पानी खुश्क हो गया इसका, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो मैंने करेले महफूज किए हैं फ्रीज़र में फ्राई करने के बाद वो हैं, इस तरह मैंने कागज़ में इसको महफूज किए, मैं वो निकाल रही हूँ, और जितनी मिकदार मुझे इसमें डालनी है ना मैं वो डाल रही हूँ, ठीक है, ये देखिए इसको मिक्स करूँगी और पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी।
ठीक है। और साथ में है कटी हुई प्याज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी अच्छा सा और दम लगा दूँगी, ठीक है। और दम लगाने के बाद है ना बाकी के काम करूँगी, जो दो कमरे अभी मज़ीद साफ़ करने हैं उनको साफ़ करना है, तो मैं इसको अच्छा सा मिक्स करके मैं दम लगा के और मैं जा रही हूँ सफाई करने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफाई के बाद सारी सेटिंग भी हो गई है, ये देखिए हमने सेटिंग कर दी है और शाम का वक्त हो गया है और अबू बकर को नहला भी दिया है और मेरा खाना भी बन गया है। ये देखिए अबू बकर आ गए हैं नहा के, और तैयब जो है ना वो नहाने के लिए अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं, और बाकी सेटिंग भी हो गई है, सारा कुछ धो के साफ़ कर दिया है, ये वाला कमरा भी साफ़ हो चुका है ये देखें, और सालन भी पक गया है। और अब मैं बना रही हूँ रोटी, तो ये मैंने बना ली हैं पेड़े, तो जब तक बाकी लोग नहा कर आते हैं तो मैं खाना रेडी कर दूँगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मेरा वॉच टाइम पूरा हो, और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, आपके पैसे नहीं लगते तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, और कैसी लगी आज की रूटीन, बड़ी टफ रूटीन थी, शाम हो गई है और ये देखें इस साइड से देखें, ठीक है। तो अभी तक हमने दोपहर का खाना नहीं खाया क्योंकि काफ़ी काम किया है, तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।